नमस्कार, वेलकम टू कौशिक फूड बुक। स्वाद, सुगंध और रंगों से भरे कौशिक फूड बुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर सैंडविच, जिसे हम बनाना शेक के साथ सर्व करेंगे। ये एक प्रोटीन पंच है, ये सभी के लिए बहुत ही हेल्दी है और सभी इसको बहुत पसंद करेंगे, बच्चे भी बड़े भी। तो चलिए, इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए देसी घी, ब्रेड, पिज़्ज़ा सॉस, मेयोनीज, पनीर, कुछ कटे हुए टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। पहले हम अपने पनीर को इस तरीके से मैश कर लेंगे। हमने इसमें 80 ग्राम पनीर का यूज़ किया है दो सैंडविच बनाने के लिए। उसके बाद हम अब मिलाएंगे इसमें अपना कटा हुआ प्याज, कटी हुई शिमला मिर्च, कटे हुए टमाटर और अपने घर के बेसिक मसाले। हमने इसमें मिलाया है 3/4 स्पून नमक, कुछ काली मिर्च, कुछ धनिया पाउडर। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी मिला सकते हैं। हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं और रेड चिली पाउडर डाला है 3/4 टीस्पून। ये सारे मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारा मिक्सचर तैयार होने के बाद हम अपने इस ब्रेड पे स्प्रेड करेंगे मेयोनीज और पिज्ज़ा सॉस। हम एक ब्रेड पे मेयोनीज को स्प्रेड करेंगे और एक ब्रेड पे पिज्ज़ा सॉस को स्प्रेड करेंगे। जब तक हम इन पे स्प्रेड करेंगे, हम गैस ऑन करके अपने तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। अच्छी तरीके से चारों कोनों पे स्प्रेड करते हुए अब हम अपनी बनी हुई फिलिंग को इसके अंदर फिल करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी सैंडविच है, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फिर इसको रख लेंगे। ऐसे ही हम अपना दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लेंगे। तवा गर्म हो चुका है, तवे पे हम घी को फैलाएंगे और अपने सैंडविचों को पकने के लिए रखेंगे। तवे पे पहले घी या ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, वरना ब्रेड चिपकेंगे। ऊपर भी हम घी लगाकर दोनों तरफ से मीडियम से थोड़ी तेज गैस पे इसको सेकेंगे। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस नहीं है तो आप नॉर्मल सॉस यूज़ कर सकते हैं या घर की कोई भी चटनी, और मेयोनीज की जगह आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने ब्रेड सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लिया है। थोड़ी मीडियम गैस पे सेकने से ये क्रिस्पी हो जाते हैं। हम आपको इनकी आवाज़ भी सुनाएंगे कि ये कितने क्रिस्पी हो चुके हैं। तवे के ऊपर इसी तरीके से आप इनको दो टुकड़ों में काट लीजिएगा। जिस तरीके तरफ से आपने पहले कट लगाया था, बैक साइड में भी उसी तरह साइड से लगाइएगा। देखिए, सैंडविच इतने क्रिस्पी बने हैं कि वो भी आपसे बात कर रहे हैं। आप इन सैंडविचों को बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और हमें लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये सैंडविच कैसे लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ये सैंडविच हमने ब्राउन ब्रेड से बनाए हैं, इसीलिए ये और भी हेल्दी हैं। प्रोटीन रिच सैंडविच आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इन्हें आप ब्रेड और ग्रीन सॉस के साथ सर्व कीजिए या चटनी के साथ। थैंक यू।